मम्मा मम्मा क्या है? मम्मा देखो मेरा रिपोर्ट कार्ड, मेरे पूरे 98% मार्क आए हैं और आपको पता है मैंने पूरी क्लास में टॉप किया है। तो क्या करे टॉप किया है तो, टॉप करके तुझे जाना कहाँ है? आगे पीछे तो झाड़ू पोछा ही लगाने हैं ना। क्यों भाई, क्यों लगाएगी मेरी बेटी झाड़ू पोछा? मेरी बेटी बहुत इंटेलिजेंट है। पापा पापा देखो ना मेरा रिपोर्ट कार्ड। अरे वाह, 98% मार्क्स, मेरी बेटी तो बड़ी हो गया कलेक्टर बनेगी। हाँ सही है, कलेक्टर बनेगी। चलो बेटा आप हाथ मुंह धोकर आओ, हम साथ में खाना खाएंगे, बाद में आपको होमवर्क भी करना है। ओके पापा। पापा पापा ड्राइवर अंकल ने बोला है कि वो 2 दिन तक मुझे लेने नहीं आएंगे, फिर मुझे स्कूल कौन छोड़ कर आएगा? कोई बात नहीं बेटा, कल आपको आपके पापा स्कूल छोड़ कर आएंगे। ये पापा। हाँ बेटा। देखो इन अंकल ने सर पे हेलमेट पहना हुआ है। हाँ ये हेलमेट है बेटा। पापा आपको हेलमेट की उपयोगिता पता है? इसकी उपयोगिता भारत सरकार के नियमानुसार दोपहिया वाहन चलाने वाले और साथ बैठने वाले व्यक्ति को हेलमेट पहनना जरूरी होता है, ये हमारी सर की सेफ्टी करता है। सेफ्टी वो कैसे? बेटा सोचो, यदि बाइक चलाते हुए हम गिर जाएं या कोई एक्सीडेंट हो जाए तो ऐसे में ये हमारे सर की सुरक्षा करता है, और किसी भी व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो अपनी सर की सेफ्टी के लिए हेलमेट पहन के चले। पर पापा हमने हेलमेट क्यों नहीं पहन रखा? हमने? अरे ये तो वो पहनते हैं जिनको ठीक से बाइक चलाना नहीं आता, और आपके पापा तो एक्सपर्ट हैं। और भाई शादी वादी कब है? एंगेजमेंट भी फिक्स हो गई है तो पार्टी वार्टी कब दे रहे हो? अरे भाई जब तू कहे। तो फिर कल मिलते हैं। अरे भाई की एंगेजमेंट और पार्टी ना हो ऐसा कैसे चलेगा? तो फिर कल पक्का? ठीक है फिर कल शाम को मिलते हैं और करते हैं पार्टी मिलके। अरे शाम को नहीं, फिर अपन मिलते हैं सुबह, सारे भाई बैठेंगे गाड़ी में, लगाएंगे चक्कर और बनाएंगे माहौल। फिर तो कल सुबह से ही ऑन रोड पार्टी। ठीक है फिर कल सुबह। आयशा जल्दी करो बेटा, मुझे आपको स्कूल छोड़कर बाहर काम से जाना है। बस तैयार हो गई, भेजती हूँ अभी, आप बाइक स्टार्ट करो तब तक। चलो बेटा अब जल्दी जाओ, पापा बाहर वेट कर रहे हैं आपका। पापा हेलमेट तो पहन लो, मुझे भी हेलमेट पहनना है। अरे बेटा हमें हेलमेट की क्या जरूरत है, वैसे भी आपको स्कूल तक जाना है और मुझे उससे थोड़ा आगे, कितनी दूर में क्या होगा? आपकी बेटी हेलमेट की तो बोल रही है, पहन क्यों नहीं लेते आप? सेफ्टी रहेगी दोनों की, वैसे भी आप एक बच्ची के पिता हो, इतना ख्याल तो रखना चाहिए, बच्चों पर क्या असर पड़ेगा इसका, बिना हेलमेट निकलना नहीं चाहिए। इतना वक्त नहीं है मेरे पास बहस करने का, और वैसे भी स्कूल तक ही जा रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं है। आओ बेटा चलते हैं, पापा आपको शाम को घुमाने भी लेके चलेंगे। और ब्रो क्या हाल है? अरे आओ बेटा, तुम्हारा इंतजार था। अंदर दा कुत्ता आज कड़िए अग तुम। अरे मुझे ड्रिंक नहीं करनी ब्रो। ब्रो मैं ड्रिंक नहीं करता। पंजाब क्यों भाई लगो, मजा आया कि नहीं पार्टी में?
अरे मजा क्या, बहुत मजा आ गया। अरे ऐसी पार्टी भी है भाई जान। लगता है एक्सीडेंट हुआ है। क्या बात कर रहे हो, कहाँ पे हुआ है? लग तो यही रहा है यार, कुछ तो हुआ है। एक काम कर, गाड़ी साइड में लगा। अरे यार बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, हमें ने हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। अरे पागल है क्या, तुझे दिख नहीं रहा पुलिस केस है यार? पुलिस पुलिस के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना। कम से कम एम्बुलेंस को तो फोन कर सकते हैं अपन। पूछताछ तो फिर भी होगी ना, थाने में कौन बैठा रहेगा इतनी देर? तू कर ले भाई, मुझे इस लफड़े से बाहर रहना है। हां तू सही कह रहा है यार, फालतू की आफत नहीं मोल लेते। अरे अरे आप लोग ये क्या कर रहे हैं, क्या आप लोग अपनी मानवता भूल गए? इंसानियत के नाते कम से कम इन घायलों को अस्पताल पहुंचाए। पुलिस और डॉक्टर आपसे किसी भी तरह की कोई भी पूछताछ नहीं करेंगे, यहाँ तक कि सरकार के नियमों के तहत किसी भी गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर आपसे पुलिस भी कोई पूछताछ नहीं करेगी। इसलिए इस घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाएं और अपनी जिम्मेदारी निभाएं। गौरव भाई इन्हें उठाने में मेरी मदद करो, इन्हें हमें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। अरे ये तो गंभीर एक्सीडेंट केस है, पुलिस को सूचना देनी होगी, हम इसे एडमिट नहीं करेंगे। अरे ये तो सीरियस केस है, इसको तुरंत आईसीयू में एडमिट करो। आप सभी लोग ध्यान दें, सड़क दुर्घटना में घायल अवस्था में मरीज को पहुंचाने वाले के अगेंस्ट में प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई में उन्हें सम्मिलित नहीं किया जाता है। यहां तक कि राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के तहत घायल अवस्था में मरीज को अस्पताल में पहुंचाने वाले के लिए सरकार द्वारा 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार एवं उसको प्रशस्ति पत्र देने का प्रावधान रखा गया है। दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने वाले लोग घबराए नहीं, दुर्घटना से संबंधित सारा डाटा आईरेड एप्लीकेशन पर अपलोड किया जाता है और उसकी रिपोर्ट के अनुसार ही पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। आप घबराएं नहीं, आपके भी थोड़ी चोट है, आप इनको प्राइमरी ट्रीटमेंट पे लीजिए, मैं आईसीयू में जाता हूं, उसके बाद जो भी अपडेट होगी मैं आपको अपडेट करता हूं। डॉक्टर मौसम आप थोड़ा फास्ट करें, पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत फॉल हो रहा है। डॉक्टर मौसम आप CPR दो, इनको छोड़ो, पेशेंट का बीपी नहीं है। स्टॉप स्टॉप मौसम स्टॉप, पेशेंट इज नो मोर। आयशा मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी आयशा, मेरी बेटी, बेटी देखो ना मेरा रिपोर्ट कार्ड। अरे वाह 98% मार्क्स, मेरी बेटी तो बड़ी हो गया कलेक्टर बनेगी।
आयशा उठो बेटी, आयशा आयशा क्या हुआ तुझे? आयशा बेटी, आयशा 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 अरे संभालिए अपने आप को। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब क्या हुआ है मेरी बेटी को? डॉक्टर साहब ये आगे क्यों नहीं खोल रहे हैं? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आपकी बेटी के सिर पे बहुत ज्यादा चोट आने की वजह से ब्लड बहुत बह गया था, अफसोस है हमने बचा नहीं पाया। अरे पापा हेलमेट तो पहन लो, मुझे भी हेलमेट पहनना है। कितनी बार बोला मेरी बेटी ने हेलमेट पहन लो, काश हमने हेलमेट पहना होता तो आज मेरी आयशा, आयशा बेटी, आयशा। आपके सर पे बहुत ज्यादा चोट है, आप ज्यादा स्ट्रेस ना लें। आयशा बेटा, आयशा आंखें खोलो, आयशा मुझसे बात करो बेटा, मेरी बेटी को क्या हुआ है मुझे बताओ, कोई मुझे बताओ क्या हुआ है इसे। आयशा 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 क्या हुआ बेटा तुझे? आयशा कोर्ट की कार्रवाई के तहत इस केस में आरोपी को 2 साल के कारावास की सजा सुनाई जाती है। तेज रफ्तार में अक्सर मौत से सामना हो जाता है, एहसास तब होता है जब हादसा हो जाता है। हम चाहते हैं कि हर घर के चिराग जलते रहें, सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक हो, युवा पीढ़ी नशे से बचे और अपनी दिव्य युवा शक्ति को सही दिशा में लगाए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा नामक लघु फिल्म राजस्थान के परिवहन विभाग द्वारा आम जन को जागरूक करने के उद्देश्य से बनाई गई है। विभाग को पूर्ण विश्वास है कि इस फिल्म को देखने के बाद आम जन यातायात के नियमों की पालना सुनिश्चित करेंगे। सरकार द्वारा चलाई गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के अंतर्गत दुर्घटना में घायल व्यक्ति को उपचार हेतु अस्पताल पहुँचाने वाले भले व्यक्ति को 5,000 रुपये का पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र दे करके सरकार एवं विभाग द्वारा सम्मानित किया जाता है। सभी आम जन इस चीज को सुनिश्चित करें कि वाहन का संचालन करते समय शराब का सेवन नहीं करेंगे तथा सभी दुपहिया वाहन चालक हेलमेट का उपयोग करेंगे और चौपहिया वाहन चलाने वाले वाहन चालक अनिवार्य रूप से सीट बेल्ट लगाएंगे।